भूतों की बारात, ये खौफनाक कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में भेड़ी बाजार नामक एरिया था, वहां से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा था चंदेर। चंदेर बहुत ही खुश था। अरे नाचो ए रघु, नाचना, शराब कम पड़ गई है क्या? चंदेर के सारे दोस्त शराब पीकर टुन्न थे और उछल उछल कर डीजे के पीछे डांस कर रहे थे। बारात भेड़ी बाजार की गलियों में गुजर रही थी। लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर बारात देख रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, पैसों की बरसात हो रही थी। माहौल काफी रंगीन था। अरे आगे बढ़ो, हॉल काफी दूर है, चलो आगे बढ़ो। ए बूढ़े, दिमाग मत खा, इतनी जल्दी है तो जा तू मंडप पे, कर ले शादी। बूढ़ा गुस्सा हो गया और चंदेर के पास जाकर शिकायत करने लगा। चंदेर बेटा, कैसे दोस्त है तुम्हारे, ना बात करने की तमीज है, ना समय का अनुमान है। उन्हें समझाओ बेटा, अब बहुत हो गया नाचना कूदना। अरे चाचा, दिमाग मत खराब करो यार, शादी बार बार थोड़ी होती है, नाचने दो उन्हें, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो जाओ मंडप पे बैठ जाओ। अब दूल्हा भी ऐसी बात करेगा तो भला किसको गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ा चाचा गुस्सा हो गया और अपने सारे रिश्तेदार लेकर आगे हॉल की तरफ निकल गया। अब बारात में सारे यंग लड़के ही बचे थे, जो शराब की बोतलें उल्टी कर रहे थे और बस नाच रहे थे। रात बढ़ रही थी लेकिन बारात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था, लड़के हंगामे कर रहे थे, जिससे वहाँ के लोकल लोग परेशान होने लगे। अरे नाचो! एक आदमी चंदेर के पास जाकर बोला, ये भाई सुन, बहुत हुआ तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से, सोने दो हमें, नहीं तो पूरी बारात पीटी जाएगी, ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है, याद रखना। चंदेर डर गया और अपने दोस्तों से बोला, भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से, सोना है लोगों को। क्या यार चंदेर, तू तो बोला था रात भर हंगामा होगा और अब बोल रहा है चलो। अरे यार, बारात हॉल में ले जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस इस मोहल्ले से चलो, वो देखो सामने वहाँ पुल के सामने सुनसान जगह है, वहाँ ले चलो डीजे। डीजे मोहल्ले से भगा कर पुल के पीछे सुनसान अंधेरे में रोका गया। फिर से गाना शुरू हुआ और बेवड़े दोस्त पागलों की तरह झूमने लगे। तभी अचानक डीजे बंद हो गया और यकायक अंधेरा फैल गया, सारा माहौल अचानक सुनसान। अरे यार अंधेरा कैसे हो गया, बत्तियां जलाओ। तभी घनघोर अंधेरे में डीजे बजने लगा। सबने डीजे की तरफ देखा तो सब हिल गए। डीजे पर काफी सारे भूत बैठे हंस हंस कर झूम रहे थे। सारे बेवड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चंदेर का घोड़ा भी बौखला गया। अचानक जोर जोर से पटाखे बजने लगे, तेज हवा चलने लगी। नाचो रे। देखते देखते भूतों का तांडव शुरू हुआ। चंदेर और उसके बाराती फटी आंखों से वो नजारा देखकर रो रहे थे। चंदेर ये क्या है यार, अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है। भूत काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे। थोड़ी देर नाचने के बाद डीजे अचानक रुक गया और सारे भूत चंदेर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सारा माहौल एकदम टाइट था, सारे बेवड़े पसीना पसीना थे। सारे भूत बेवड़े बारातियों के पास जा पहुंचे, सबकी सांसें तेज हो गईं। ए, बजाओ। फिर से डीजे शुरू हुआ। एक भूत खास डीजे में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। नाचो हमारे साथ, नहीं तो यही मुर्दा बन जाओगे। चंदेर के बेचारे बेवड़े दोस्त भूतों के साथ नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनकी ये हालत देखकर भूतों को और मजा आ रहा था। भूत जोर जोर से चीख रहे थे, याहू, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक भूत चंदेर के पास आया और उसने चंदेर को अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो। नाच, नहीं तो पुल के नीचे फेंक दूंगा। चंदेर डर गया और भूत के कंधे पर बैठकर बदन हिलाने लगा। भूत चंदेर को लेकर सुनसान अंधेरे में पुल की तरफ बढ़ने लगा।
अरे नाच तो रहा हूँ, पूल के पास क्यों ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। लेकिन भूत चलता रहा और पुल पर जाकर रुक गया। चंदेर ने नीचे नदी में देखा, काफी गहरी और विशाल नदी थी। क्यों परेशान कर रहे हो हमें, आज मेरी शादी है, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। उस दिन मेरी भी शादी थी। क्या, मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरी शादी थी, मैं अपने बेवड़े दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा था और इधर मेरी दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी। लोगों ने काफी समझाया लेकिन हम नहीं माने, हम अलग ही नशे में थे। उस दिन नाचते पीते हुए इस पुल पर आए और जोर जोर से नाचने लगे। तब यहाँ लकड़ी का पुल था, हम नशे में थे, पुल टूट गया और सारे बेवड़े बरातियों के साथ मैं भी मर गया। क्या, लेकिन तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तुम सबके साथ भी यही होने वाला है। मेरे सारे भूतिया बाराती तुम्हारे बेवड़े बरातियों को इस पुल पर लेके आएंगे और ये पुल गिर जाएगा, फिर तुम सब हमारे साथ ही हो जाओगे। ऐसा कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं नहीं नहीं। तभी अचानक लाइट आ गई और चंदेर ने देखा कि वो डीजे के सामने घोड़े पर बैठा है, वहाँ कोई भूत नहीं है। अरे क्या लफड़ा है यार, पैसा लेना है या नहीं, आधा घंटा हो गया डीजे लगाओ। नहीं शिवा, अब सीधे मंडप पे चलते हैं। चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? नहीं, पूरी उतर गई है। अरे चलना पूल पर डांस करते हैं, पूल डांस। देखो तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मुझे मरना नहीं है, शादी करनी है। फिर चंदेर अकेला ही घोड़ा लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ा और उस रात एक भयानक हादसा होते होते रह गया।